भोलेनाथ, ये वो है। तुमने हमें एक वचन दिया था, पहले उसे पूर्ण करो बंधन मुक्त होकर। किंतु कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, क्या उसके लिए तैयार हो? हम तैयार हैं भोलेनाथ, आप हमें इतना बता दीजिए कि हमारे साथ हो क्या रहा है। वचन, सर्वप्रथम नटराज का नमन, हमारे उसी रूप का स्मरण करो, उसके पश्चात ही अतीत के पन्ने खुलेंगे। हमें शिव जी को प्रसन्न करना होगा, उसके बाद ही हमें बताएंगे कि हमारे साथ हो क्या रहा है, हम दोनों का कनेक्शन क्या है, इस जगह से हमारा क्या रिश्ता है, वो जो लोग हमें दिख रहे हैं वो सब कौन है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भगवान हमसे बात कैसे कर रहे हैं, वो भी इस कलयुग में। कुछ चीजें युगों से परे होती हैं, और भोलेनाथ उनमें से एक है। इससे पहले मैं उनका कहा मानूं, मुझे उनका आदर करना होगा, वो भी अपने असली रूप में। मतलब तुम मुझे देख के घबरा सकते हो, पर एक बात याद रखना, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम क्या बोल रही हो वाली, तुम करने क्या वाली हो? जय, तुम ठीक हो?
तुम भी? नागिन के रूप में बहुत खूबसूरत लगती हो, मगर आज इस इच्छाधारी रूप में कयामत लग रही हो। ये क्या? मुझे सब याद आ रहा है, सब दिख रहा है। कितनी खूबसूरत हो तुम, ये हो तुम जादू। हाथ जोड़ के आप लोगों से माफी मांगता हूँ, मुझे मंदिर में आने की इजाजत दो। तुम अंदर आ सकते हो, मैं आदि नागिन तुम चीलों को इस शिव मंदिर में आने की अनुमति दे रही। सिद्ध छोड़ दो नागेश्वरी, सिद्ध छोड़ दो, मेरी बन जाओ नागेश्वरी। हृदय नागेश्वरी, हम दोनों के बीच जिसकी वजह से हम एक दूसरे की ओर खींच रहे थे। हम दोनों इच्छाधारी नाग नागिन हैं, जो हमेशा से एक साथ थे सतयुग में, लेकिन कभी एक नहीं हो पाए। उससे पहले उसने तुम्हें मार दिया और तुमने भी अपनी जान दे दी थी, और फिर भोलेनाथ ने हमें वापस आने का मौका दिया, दोबारा जन्म लेने का मौका दिया। हमारा रिश्ता तब से है, सदियों से, जन्मों से, हमेशा से। मुझे सब कुछ याद आ रहा है, अतीत का हर एक पल,